नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। दोस्तों, सभी यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे के तरफ से बहुत ही बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। इंडियन रेलवे जनवरी 2021 से सभी लोकल पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को फिर से दोबारा शुरू करने जा रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन रूट्स पर लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को फिर से दोबारा शुरू करने जा रही है। आपको बता दें, इंडियन रेलवे लॉकडाउन से पहली जैसी ट्रेन शुरू करने जा रही है। भारतीय रेलवे यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब आपको ट्रेन में सफर करने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारी बातें होंगी। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और दोस्तों, किसी भी सुझाव के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस नए साल में ट्रेन में सफर करना अब और भी आसान हो जाएगा। इंडियन रेलवे यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। दोस्तों, अब आपको एक दिन पहले रिजर्वेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय रेलवे अब बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेनें शुरू करने जा रही है। आपको बता दें, भारतीय रेलवे पूरी तरह से जनरल कोच वाली ट्रेनें शुरू करने जा रही है। रेल यात्री अब तुरंत टिकट को लेकर यात्रा कर सकेंगे। रेलवे के इस फैसले से लाखों यात्रियों को काफी फायदा होने वाला है। आपको बता दें, ये ट्रेनें पूरी तरह से जनरल कोच होंगी, लेकिन लोकल ट्रेनों से पूरी तरह से अलग होंगी। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं इंडियन रेलवे किन किन रूट्स पर लोकल और पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है। आपको बता दें, इंडियन रेलवे भोपाल, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, रायपुर, चंडीगढ़, पंजाब और यूपी में लोकल पैसेंजर ट्रेनों को फिर से दोबारा शुरू करने जा रही है। और साथ में इटारसी से बीमा, इटारसी से कटनी, बीमा से गुना, इटारसी से भोपाल और भोपाल से इंदौर के बीच लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें आरक्षित होती हैं, जिसकी वजह से ट्रेन को रास्ते में बार बार रोकना पड़ता है। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें, पहले चरण में इस ट्रेनों को एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में चलाया जाएगा। इसके बाद दूसरे डिवीजन में भी इन ट्रेनों को चलाया जाएगा, जिसके लिए भारतीय रेलवे ने सभी रेल मंडलों से इसकी डिटेल मांग ली है। दोस्तों, अब आपको ट्रेन की टिकट काउंटर के साथ साथ ऑनलाइन भी बुक कर सकेंगे। इस सुविधा को ट्रेनों के संचालन के साथ शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे सभी यात्रियों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है। अब जनवरी 2021 में सभी ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।